गंज बासोदा की मुख्य चौराहे जयस्तंभ पर आज दोपहर किसानों ने ट्रैक्टर ट्रालियां लगाकर चक्का जाम कर दिया। किसान कल मंडी में हुई किसान के साथ मारपीट के लिए व्यापारियों को गिरफ्तार करने एवं उनका लाइसेंस रद्द करने की मांग कर रहे थे। तकरीबन दो घंटे चले चक्का जाम के चलते स्थानीय एसडीएम एवं एसडीओपी ने मौके पर पहुंचकर किसानों से बात की एवं चार मंडी व्यापारियों के लाइसेंस को निरस्त करने एवं किसान पर हुई एफआईआर को समाप्त करने का लिखित आश्वासन दिया। किसानों द्वारा किए गए चक्का जाम ने नगर की ट्रैफिक व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। चक्का जाम का समर्थन करने कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक निशंक जैन भी किसानों के बीच पहुंचे। चक्का जाम के परिणाम स्वरूप प्रशासन के आए इस फैसले से किसानों ने खुशी जाहिर की और मंडी में हो रही अन्य अव्यवस्थाओं की तरफ प्रशासन को ध्यान देने की हिदायत भी दे डाली। विदिशा गंज बासोदा से आशीष सहले की रिपोर्ट। व्यापारियों के लिए भी आपने छोटी सी रिपोर्ट दर्ज की है। आप यदि न्यायप्रिय हैं और मुख्यमंत्री जी से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, ये आपका गृह क्षेत्र है, आप न्याय कीजिए। जिन लोगों ने यह अपराध किया है उनके लाइसेंस जब्त किए जाए, अन्यथा किसान आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन आपकी सत्ता को नेस्तनाबूद कर देगा। किसान की ताकत को आप कम मत। जय जवान, जय जवान। संतुष्ट है कि नहीं और क्या चाहते हो? देखिए, प्रारंभिक तौर पर किसानों की जो मुख्य मांगे थी, एक तो किसान पर जो फर्जी एफआईआर हुई है उसका खात्मा, उसमें एसडीओपी साहब ने हमें लिखित में दिया है कि उसका खात्मा करेंगे। दूसरी जो किसानों की मांग थी कि जिन व्यापारियों ने किसान के साथ मारपीट की है उनके लाइसेंस निरस्त की जाएं, तो उनके चार लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। एक व्यापारी ऐसा था जो किसी अन्य के लाइसेंस पर खरीदी कर रहा था, उस पर भी एसडीएम साहब ने कहा है कि हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आश्वासन किसानों को दिया है कि ना तो व्यापारियों का माल मंडी के बाहर जाएगा, मंडी पर सिर्फ मंडी कर्मचारी रुकेंगे। और अब हमारी आगे की मांग ये है कि किस तरह आप जल्द से जल्द किसानों की नीलामी चालू कराएं, और अगर नीलामी व्यापारी नहीं करता तो उन व्यापारियों पर भी उचित कार्रवाई करें। हम निर्वेश मीणा हैं, मैं वर्तमान में गंज बासोदा ब्लॉक से जनपद सदस्य भी हूँ, विदिशा डिस्ट्रिक्ट से मध्य प्रदेश मीणा सेवा संगठन मीन सेना से प्रमुख भी हूँ और एक किसान भी हूँ। किसान अभी यहाँ पर बैठे धरने, क्या मांगे किसान की और क्या इसका निराकरण किया जाए? कल मंडी में एक व्यापारियों द्वारा अपकृत किसानों के ऊपर किया है, जो व्यापारियों ने, पूरे सारे व्यापारियों ने एक संगठन करके दो कमज़ोर किसानों के साथ मारपीट की है, उसके संदर्भ में यहाँ चक्का जाम किया गया था। क्या मांगे किसान? मांग ये है कि जो किसानों के खिलाफ मारपीट हुई व्यापारियों द्वारा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएं, और जो किसानों पे पुलिस द्वारा व्यापारियों के थ्रू जो एफआईआर की गई है उसमें खात्मा लगाया जाए। निराकरण हुआ है। एसडीओपी साहब ने एसपी साहब से बात करके जो किसानों के ऊपर व्यापारियों द्वारा जो झूठा मुकदमा कायम कराया है राजनीतिक दबाव के चलते हुए, तो उसको जांच करके खात्मा लगाने का लिखित आवेदन दिया है एसडीओपी साहब, और एसडीएम साहब ने जो पांच व्यापारी थे उनके तत्काल लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। क्या उसका आदेश आ गया आपके पास? आदेश बस टाइप हो रहा है, तत्काल मिला जा रहा है। देखिए, कल जो मंडी में घटना घटी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी, और यदि कोई व्यक्ति कोई गलती करता है तो उसकी एक न्यायिक प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जा सकती है, मगर कानून लेने का अधिकार किसी को नहीं है, अपने हाथ में लेने का अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद जो रात में दूसरी बात हुई वह और भी गलत है, तो निश्चित तौर पर जब लगातार घटनाएं और घट रही हैं साजिश के तहत, पूरा माहौल इस समय मध्य प्रदेश का गंज बासोदा सहित किसान और नौजवान के विरोध में है, तो उसकी परिणति चक्का जाम ही तो होगा। आप सरकार के प्रशासन के विरोध में बात करोगे, झूठे केस लगाए जाएंगे जैसा कि लगाया गया, मगर जो बातें किसानों की थी वो प्रशासन ने मानी, और मैं तो ऐसी उम्मीद करूंगा कि मंडी प्रशासन को, व्यापारियों को और सभी को मिलजुल के ये प्रयास करना चाहिए कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति
बिल्कुल ना हो और हमारे किसी भी अन्नदाता के खिलाफ और उनके किसी तरह की कार्रवाई ना हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।